जय भीम इंडिया, भारत दस्तक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग देख रहे हैं भोजन न्यूज बुलेटिन, वो खबरें जो भोजन समाज के लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही है भारतीय बल्लेबाज और भारतीय कप्तान विराट कोहली की तरफ से। उन्होंने एक विवादित बयान दिया है ट्विटर पर रिप्लाई करते हुए। उनको एक यूजर ने कहा था कि उन्हें भारतीय बल्लेबाज पसंद नहीं आते, भारतीय बल्लेबाज और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज एक ओवररेटेड बल्लेबाज होते हैं। तो इसको रिप्लाई करते हुए विराट कोहली ने भी एक वीडियो बनाया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपको दूसरे देशों के बल्लेबाज पसंद है तो आपको भारत में नहीं रहना चाहिए, आपको वहां चले जाना चाहिए जहां के आपको बल्लेबाज पसंद है। दोस्तों, मेरे हिसाब से एक बहुत गलत बयान है। इतने बड़े भारतीय बल्लेबाज और इतने रिस्पेक्टेड पर्सन को इंडिया में ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगली खबर निकल कर आ रही है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को लेकर। आप लोगों को पता ही होगा कि तेज प्रताप ने अपनी वाइफ ऐश्वर्या से तलाक लेने के लिए अर्जी डाल दी है। दोस्तों, यहाँ पर एक खबर निकल कर सामने आ रही है, दिवाली के मौके पर राबड़ी देवी और ऐश्वर्या दोनों ही तेज प्रताप का घर पर इंतजार करते रहे, लेकिन तेज प्रताप घर पर नहीं आए। मिली हुई जानकारी के अनुसार पता चला है कि तेज प्रताप विंध्याचल में यज्ञ करवा रहे थे। यह बात लालू प्रसाद यादव के पुरोहित राज मिश्र ने बताई है। तेज प्रताप ऐश्वर्या से तलाक लेने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। उनके घर वालों को समझाने पर भी वो नहीं मान रहे हैं, वो ऐश्वर्या से तलाक लेना ही चाहते हैं। तो दोस्तों, आगे जो भी खबर निकलेगी वो मैं आपको सबसे पहले दूंगा, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है मनमोहन जी की तरफ से। मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नोटबंदी के 2 साल बाद भी नोटबंदी के गंभीर प्रभाव अभी भी सामने आ रहे हैं। नोटबंदी को अशुभ और बिना सोचे समझे उठाया गया कदम करार देते हुए यह बातें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने गुरुवार को कही। दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में सपाक्स पार्टी ने जारी की है अपने 4th लिस्ट, जिसमें उन्होंने अपने 19 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। अगर आप लोग भी उन उम्मीदवारों के नाम जानना चाहते हैं, ये वीडियो पॉज करके आप नाम पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस ने अपनी आखिरी और 5वीं लिस्ट दिवाली के दिन जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने अपने 17 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इनमें जो सबसे बड़ा नाम निकल कर सामने आ रहा है वो है सरताज सिंह का। सरताज सिंह वही है जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। बीजेपी ने सरताज सिंह को उम्र का हवाला देते हुए उनका टिकट काटा था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। अब कांग्रेस ने सरताज सिंह को होशंगाबाद विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, वो चुनाव जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। दोस्तों, आगे कांग्रेस के लिए भी एक बुरी खबर निकल के सामने आ रही है। कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता सत्यवती चतुर्वेदी के बेटे नितिन चतुर्वेदी ने समाजवादी पार्टी से अपना नामांकन भरा है। मीडिया से बातें करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो गलती 15 सालों से करती हुई आई है फिर से वो गलती दोहरा रही है। देखने में सामने आया है कि कांग्रेस में भी अंदरूनी कहल चल रही है टिकट बंटवारे को लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना न्यूज था मेरे पास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। आज का वीडियो का लाइक है मैं 30 लाइक्स, प्लीज 30 लाइक्स पूरे कर देना, इससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ जाता है वीडियो बनाने के लिए। अगर दोस्तों आप भोजन समाज से अपडेट रहना चाहते हैं, भोजन समाज की खबरें जानना चाहते हैं और क्या क्या भोजन समाज में हो रहा है सब कुछ जानना चाहते हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको भोजन समाज की हर खबर हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।